अस्सलाम वालेकुम, मैं अता टीवी में एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ। आज बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी हम चाय रेसिपी लेके आए हैं। साथ बनाऊंगी उसके मैं थोड़ी सी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैंने जो बनाना स्टार्ट कर दी है वो है सेमियाँ। आज हम इसको जैसे एक तो हम बनाते हैं ना दूध वाली, एक होती है सिंपल, तो ये सिंपल बनाना आपको सिखाऊंगी आज। इसके लिए सबसे पहले आप ऑयल को प्री हीट करेंगे, 2 से 3 अदद इलायची डाल देंगे उसमें, वो जब हल्का सा उस पर कलर आ जाएगा फिर आप उसमें सेमियाँ ऐड कर देंगे। मेरे पास ये एक पैकेट मैंने यूज़ किया, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कलर जो है उसका चेंज हो रहा है, बस इसी तरह हमने करना है इसको। आज हम बनाएंगे सेमियाँ, साथ बॉईल करेंगे अंडे और फिर थोड़ी सी चिप्स बनाएंगे, और 3 चीज़ों की रेसिपी आपको चाय में पता चल जाएगी। ये टी टाइम घर में फैमिली के साथ देसी स्टाइल में सब बहुत पसंद करते हैं। तो चलें, फ्लेम हमने मीठा पकाते हुए हमेशा याद रखना है कि लो होता है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, इस तरह का कलर आपकी इलायची को आना चाहिए, ठीक है। चलें अब इसको हिला लेते हैं और दूसरी तरफ हम अपना वॉक पे अंडे उबलने के लिए रख लेते हैं। देखिए बड़ा खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें, ये मेरे पास 1 कप चीनी का है, वो ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसे हिला लेंगे। ऐसे मज़ेदार सा ये देखिए तो सही, अभी बनता क्या है, ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी। देखिए चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, बड़े आराम से कर लें, ठीक है। 2 कप्स हम इसमें वाटर के ऐड करेंगे। अब हिला लेंगे इसे और आंच को मज़ीद धीमा कर देंगे, यानी आहिस्ता कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के खोया का ऐड करेंगे। आज आपको मैं जैसे शाही ख़ानदानों में बनती थी ना, वो उस वे में बता रही हूँ। ये शाही स्टाइल है, यानी शाही सेमियाँ जिस तरह बनती हैं उस तरह से सिखा रही हूँ। यकीन कीजिए जब हमारी फैमिलीज़ में ये बनती है, ईदों पर दावतों पर बहुत पसंद किया जाता है। और इसकी की सीक्रेट्स मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें भर के 1 टेबलस्पून खोया का गया हम, और इसको हिला लेंगे। और आप देखें कि मैंने इसको जो है फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता रखा है। चलें जी, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है, ये देखें, और खोए की खुशबू आ रही है। देखिए इस पॉइंट पे जब खोया और बाकी सब चीज़ें मिक्स हो गई हो और सब खुश्क हो चुका हो, तो हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे, यानी ये जो होता है ना हमारे पास कोको नट पाउडर, गिरी का पाउडर जो होता है, 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे और हल्का हल्का हिला लेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल जैसे चूल्हा बंद करते हैं ना, क्योंकि अब हमारा फाइनल हो रहा है सारा काम। 1 टेबलस्पून अभी डालेंगे और 1 जनाब अभी हम इसे डिश आउट करते हुए ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल देंगे। और ये इतनी लजीज बनती हैं, इन्हें कहते हैं शाही सेमियाँ, शाही मीठी सेमियाँ, वेरी वेरी टेस्टी एंड यूनिक। चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलिए अब इसे डिस्प्ले करने की बारी आई है। मैंने आपको बताया 1 टेबलस्पून हम कर डालेंगे, ऐसे हल्का हल्का से दौड़ते करते किनारों में है हम तुमको बताएं कैसे। अच्छा लग रहा है ना। अब हम इस पे ज़बरदस्त सा आखिरी चीज़ की डेकोरेशन कर लेते हैं, वो है चांदी का वर्क। चने वो लगाती हूँ, ये ले लिया वर्क और ये दिया चिपका। ये मुझे सबसे अच्छा जिसे कह लें स्टेप लगता है, ऐसे वो सोने की लगता है चादर बिछी है और ऊपर वाइट वाइट काम हुआ हुआ है, ऐसा ही लग रहा है ना। चले अब मैं थोड़ी सी वो लगाती हूँ। देखें जनाब हमारी शाही सेमियाँ रेडी हो चुकी हैं। जल्दी से बनाते हैं चाय और बनाते हैं थोड़ी सी चिप्स
और करते हैं इंजॉय अपनी टी ब्रेक को। देखिए एक पैन ले लिया, चार पांच इसमें डालते थे इलायची, इलायची वाली चाय बनाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती है ये। चलें इसको बॉयल आने का वेट करते हैं, फिर हम इसमें अपनी दानेदार टपाल डालेंगे और फिर बाकी बताती हूँ क्या क्या डालना है इसको आला शान चाय बनाने के लिए, क्या क्या हमें रिक्वायर है। ओके देखिए मैं तो चार कप बना रही हूँ चाय, उस हिसाब से मैंने पानी लिया है, उसी हिसाब से मैंने इसमें तीन टेबल स्पून भर के, हमारे घरों में ज़रा स्ट्रॉन्ग टी पी जाती है तो इस वजह से मैंने उसमें पत्ती डाली है, हम टपाल दानेदार यूज़ करते हैं, बाकी यू आर योर ऑन बॉस। अच्छे चलें देखिए मैंने जो है एक गिलास भलाई वाला दूध इस्तेमाल किया है, इसमें जब दो तीन कामों को उबाला आ जाएगा फिर मैं इसमें एक साशे एवरीडे का ऐड करूँगी, ठीक है। और एवरीडे देख के मुझे याद आया कि आप अपनी शाही सेमियों में इसकी एडिशन कर सकते हैं, तो चलें मेरे साथ मिलके करते हैं। थोड़ा सा हल्का हल्का सा पाउडर मिल्क भी ऐड कर देते हैं, और तो आप बनाएंगे इस तरह से और खाएंगे और दुआ देंगे, मुझे यकीन कीजिए इतनी पसंद की जाएगी। देखिए चाय हमारी पक चुकी है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो है वो सूखा दूध ऐड कर देंगे एक पैकेट। चलें जी देखिए रेडी हो चुकी है मेरी मज़ेदार सी टी पार्टी जो हम फैमिली में कैजुअली डेज में करते हैं, बॉयल एग विद शाही सेमिया, इतनी मज़ेदार बनी है, मैंने अभी टेस्ट किया है, दे आर वेरी गुड। थोड़ी सी चिप्स क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट भी तो मौजूद हैं, छोटे छोटे काके वो खाते हैं, और उसके बाद जो है ये चाय हो गई हमारे पास कार्डमम टी यानी इलायची वाली चाय। सो इजी है, प्रिपेयर कीजिए क्या शॉर्ट टाइम में, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ लव और मज़ा आ जाता है खा पी के। तो चलें मिल देंगे फिर एक नई रेसिपी में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना कभी भी भूलिए क्या। और दूसरा ये है कि आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए ताकि सक्सेस मेरा मकसद है वो मुझे अचीव हो, मेरे मकासद में अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।